हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीना किचन रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल अलग तरीके से आलू बड़ी और चमली की सब्जी। बहुत ही टेस्टी है, स्वादिष्ट सब्जी है और रसेदार सब्जी है। बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, नए तरीके से है। और ये जो लोबिया है इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें कम से कम 2 चम्मच तेल ऐड किया है। तो सबसे पहले हम बड़ी को करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है। तेल गर्म होने के साथ ही यहाँ पर जो मूंग दाल बड़ी, हरे वाली मूंग दाल होती है, छिलके वाली दाल, उसकी बड़ी है। और इसको हम थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा जब तक हम इसको फ्राई करके तेल में से निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है और जो बचा हुआ तेल है इसमें 4 मीडियम साइज़ के प्याज है जिसको कि स्लाइस पीस में काटा है। बहुत अच्छा फ्लेवर देती है इस तरह से कटिंग करके। यहाँ पे 1 गांठ लहसुन की जिसको कि बारीक बारीक काट लिया है और इसको हमें फ्राई करना है 4 से 5 मिनट तक। तो रेसिपी में जो सबसे मेन जो फ्लेवर होता है वो प्याज लहसुन को यहाँ पर गोल्डन ब्राउन तक हमें करना है, जब भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर ये देखिए हल्का सा गोल्डन सा कलर जैसे ही आएगा, जैसे पिंक कलर सा होता है वैसे आएगा, तब तक हम इसमें डाल देंगे। इसमें ये देखिए बड़ी भी हमने फ्राई करके निकाल ली है। तो यहाँ पर जो चमले हैं ये है, हरी जो फली होती है छिलके वाली फली होती है उसमें से लोबिया हमने निकाली है, ग्रीन लोबिया बोलते हैं जिसको, हरे चमले की सब्जी भी बनाते हैं इसकी। तो इसको हम आज बनाएंगे बड़ी के साथ। तो यहाँ पर ये देखिए इसका कलर भी गोल्डन सा कलर हो गया है प्याज का, जैसे ही सुनहरा कलर होगा। तो यहाँ पर मैंने आलू काट के रखे, करीबन 1 मीडियम साइज़ का आलू है जिसको कि इस पीसेज में काट दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए आलू हमने ऐड कर दिया, साथ ही साथ यहाँ पे बड़ी भी ऐड कर देंगे इसी के साथ। जो हमने चमले छील के रखे थे, लोबिया छील के रखे थे, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ ये देखिए यहाँ पर इसे फ्राई करेंगे और फ्राई करने के साथ ही इसको एक बार मिला लेंगे। तो ये देखिए मिलाने के साथ ही हमें इनको तेल के साथ अच्छे तरह से मिला लेना है। और मिलाने के बाद में इसमें हम डालेंगे नमक, नमक के साथ इसको जल्दी से गलाना है ताकि आलू गल जाए। बड़ी थोड़ी सी हार्ड होती है तो इसको थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच नमक ऐड किया है। नमक के साथ ही यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया है 1/4 चम्मच, ताकि जो हल्दी का कलर होता है, जब आप कोई भी रेसिपी या सब्जी बनाते हैं तो उसमें जो लाल लाल सा कलर आता है वो हल्दी का वजह से ही आता है। हल्दी को आप अगर पहले पका लेते हैं तो सब्जी में ग्रेवी का कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने तेल के साथ इसको पका लिया है और पकाने के साथ ही अब हमें गलाने के लिए इसमें ऐड करना है पानी। तेल के साथ आलू और इसको फ्राई करते हैं तो वो प्याज के साथ अच्छा फ्लेवर देती हैं। तो यहाँ पर करीबन 1/2 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको पकाने के लिए इसको कवर करके रखेंगे। यहाँ पर इसको पकाने के लिए कवर करके रखा करीबन 5 मिनट के लिए। तो बीच में चेक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ग्रेवी बना लेते हैं हम यहाँ पर, जब तक सूखे मसाले की। तो यहाँ पर 1 चम्मच रेड चिली, 2 चम्मच सूखा धनिया जैसा धनिया पाउडर और यहाँ पर नमक ऐड करेंगे 1/4 चम्मच। नमक आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं। और इसी के साथ नमक ऐड करने के साथ इसको ग्रेवी को थोड़ा सा पानी ऐड करके, हमें ग्रेवी ये पहले ही बनानी है ताकि जो मसाले वो अच्छे तरह से मिक्स हो जाएं और फूल भी जाते हैं मसाले। और यहाँ पर इसको मिला लिया है और मिलाने के साथ दूसरी तरफ हम सब्जी को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर ढक्कन हटा लेंगे, 5 मिनट हो चुके हैं और इसको मिला लेंगे एक बार तेल के साथ। तो यहाँ पे ये देखिए आलू भी गल चुके हैं अच्छे तरह से और आलू गलने के साथ ही ये देखिए बड़ी भी फ्राई हो चुकी है। अगर बड़ी थोड़ी सी भी हार्ड हो तो आप इसको जब आप मसाले की ग्रेवी बनाते उस समय भी पका सकते हैं। तो ये देखिए एक बार इसको इस तरह से मिला लेंगे और मिलाने के साथ ही अब यहाँ पर हम इनको निकालेंगे। तो मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिए सब्जी को और उसी बर्तन में हम करीबन 1 चम्मच तेल ऐड करेंगे। तो तेल को जैसे ही गर्म होगा तो इसमें हमने जो ग्रेवी बनाई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। तो ग्रेवी को हमें यहाँ पे अच्छे से पकाना है। तो आप रेड चिली कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मसाले को हमें पकाना करीबन 2 मिनट तक लगाता है। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल कम डाला क्योंकि सब्जी के अंदर क्वांटिटी पहले मैंने ज़्यादा डाल दी। तो आप इस वक्त ज़्यादा डाल सकते हैं, उसमें कम डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें कम डाली, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रेवी पक चुकी है। ग्रेवी को हमें पकाना अच्छे तरह से
जो रेड चिली है वो ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर लाती है। इसको पकाना बहुत ज़रूरी होता है। 2 मिनट तक हमने इसे पका लिया है और पकाने के साथ ही तो ये देखिए ग्रेवी भी बिल्कुल सेट हो चुकी है और इसमें हमने जो निकाल के रखी थी सब्जी भी अच्छे से पक चुकी है, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हम मसाले के साथ ही इसको मिला लेंगे। करीबन हमें मिलाना है 1 मिनट तक ताकि जो ग्रेवी है मसाले की वो फ्लेवर देती है इसी समय। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको मिला लिया है और मिलाने के साथ ही ये देखिए अच्छे से मिलाना है और यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे करीबन सब्जी जिसमें निकाली थी 1/2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। चाहे तो आप सूखी भी बना सकते हैं और साथ ही साथ अगर सूखी नहीं बना सकते तो ग्रेवी पर बनाना चाहते हैं तो इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक बार मिला लेंगे इसको और मिलाने के साथ ही जैसे ही मिक्स कर ले पानी के साथ तो इसको हम कवर करके रखेंगे 1 मिनट तक लास्ट एंड फाइनल। तो ये देखिए यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है, ग्रेवी में कलर भी आ चुका है और यहाँ पर एक बार सब्जी को मिलाने के साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। तो ये फाइनली आलू लोबिया और बड़ी की सब्जी बनकर तैयार है हरे धनिए के साथ। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। और इसको सर्व करने के लिए हमें मैंने यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के साथ ही इसको कवर करके रखेंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और करेंगे सर्व।